अब देखिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन, हम कॉट का लेके चलेंगे। कॉट के लिए कोई नया फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले आपको कंफ्यूज करते हैं, आप थोड़े से कम फॉर्मूले में काम चला सकते हो। अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो 10 का क्वेश्चन था, उसमें आपने फॉर्मूला यूज किया था 10a + b का। देखिए कॉट 10 का उल्टा होता है, तो हम इसी फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने लिखा, 10a + b इज इक्वल्स टू 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। देखिए ये जो आपके पास a, इसकी जगह आपने पुट किया 2x, और आपके पास में b, उसकी जगह पुट किया आपने x। तो देखिए ये बना 10 2x + x इज इक्वल्स टू 10 2x + 10x अपॉन 1 - 10 2x और 10x। 2x + x 3x, तो ये बना 10 3x, और 10 3x के मल्टीप्लाई में 1 - 10 2x 10x इज इक्वल्स टू 10 2x + 10x। देखिए मैं थोड़ा लेफ्ट लिखता हूं, देखिए 10 3x - 10 3x 10 2x और 10x इज इक्वल्स टू 10 2x और + 10x। आप 10 की जगह कॉट चाहते हो, तो जो 10 3x है हम इसको 1 upon cot 3x लिख सकते हैं, 2x को 1 upon cot 2x और 10x को 1 upon 10x लिख सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं, आपने लिखा 10 3x 1 upon cot 3x माइनस में 1 upon cot 3x cot 2x और cot x इज इक्वल्स टू 1 upon cot 2x + 1 upon cot x। अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज न्यूमरेटर में चाहिए वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x। देखिए क्या होगा, ये होगा कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x अपॉन कॉट 3x माइनस कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x अपॉन कॉट 3x कॉट 2x और कॉट एक्स। देखिए इज इक्वल्स टू ये होगा कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x अपॉन कॉट एक्स। देखिए कॉट 3x से कॉट 3x कैंसिल आउट होगा, कॉट 3x से कॉट 3x कॉट 2x से कॉट 2x और कॉट एक्स से कॉट एक्स। देखिए कॉट 2x से कॉट 2x देखिए कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल आउट होगा। अब देखिए आपके पास है कॉट एक्स कॉट 2x
माइनस वन इज इक्वल टू, देखिए चीज आपके पास कॉट थ्री एक्स और कॉट एक्स ये दोनों, और प्लस में कॉट टू एक्स और कॉट थ्री एक्स। अब देखिए ये होगा कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स और कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो ये जो माइनस का वन है वो राइट हैंड साइड में आएगा इज इक्वल टू वन और ये आपका रूट हो गया, नोट कर लीजिए।